आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी सरकार में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच 5 साल में किए गए कार्यों की तुलना करते हुए रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज तक एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार के स्कूल और अस्पताल हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का एमसीडी और दिल्ली पुलिस का मॉडल। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इन दोनों मॉडल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, इसी वजह से आज लोगों के लिए इन दोनों में से चुनना बहुत आसान हो गया है। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है, ऊपर से आदेश अगर आएगा कि आपको हिंसा नहीं रोकनी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं करना है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, अगर आदेश नहीं मानेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन ऊपर से आने वाले आदेशों की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो चाहकर भी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस का दोष नहीं है, उनको जो आदेश ऊपर से मिलते हैं उनकी वजह से ही पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को अगर सही आदेश दे दिए जाए तो वो उसे जरूर पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन जब राजनीतिक मंशा ही गलत होगी तो पुलिस काम कैसे कर पाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है। केजरीवाल सरकार लंबे समय से ये मांग कर रही है। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी और दिल्ली सरकार के कार्यों की तुलना करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में एमसीडी के 109 स्कूल बंद हो गए, वहीं दिल्ली सरकार ने पिछले 5 साल में 20,000 नए क्लासरूम बनाए हैं। शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य व वित्तीय हाल से सभी में बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी बुरी तरह विफल रही है। जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें दिल्ली पुलिस का दोष नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को बोलोगे देखो उधर मारपीट होने दो, तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम बाहर खड़े रहना, तो वो बेचारा अंदर कैसे जा सकता है, उसको तो सस्पेंड कर देंगे। उसको ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से आदेश आता है कि वहाँ पे हिंसा हो रही है उसको रोको, तो दिल्ली पुलिस जान की बाजी लगा के उसको रोकती है। उनको आदेश आता है हिंसा होने दो, होने के बाद उनको निकल जाने दो, और जब निकल जाए फिर तुम अंदर जाना, तो बेचारा वही करता है। एक मिनट। तो दिल्ली में शिक्षा में स्कूलों के अंदर जब हमने टेक ओवर किया था, जो टीचर्स थे उन्हीं टीचर्स से हमने ठीक किया, जो अस्पतालों में डॉक्टर थे उसी से हमने ठीक किया। हमारे 55,000 टीचर्स को हमने बदला नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनको कभी मौका नहीं दिया गया, पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज दिल्ली पुलिस को अगर आप ये आदेश दो कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, चोरियां नहीं होनी चाहिए, ये सब बलात्कार नहीं होने चाहिए, आप देखिए करके दिखाएंगे। ऊपर से आदेश अगर ये आता है कि आपको हिंसा रोकनी नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना, तो बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे। अगर वो ऊपर से जो इनफॉर्मल आदेश आते हैं उसको नहीं मानेंगे तो फिर उनकी तो नौकरी चली जाएगी। बात आपको इसमें गर्व की क्या बात है, इसमें मतलब कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? 15 साल से आपका राज है एमसीडी के अंदर और आप कह रहे हो मैं इनकार नहीं कर रहा, चोर है एमसीडी, तो कुछ करो ना फिर, कौन करेगा आके? दिल्ली की जनता ने आपको 3 बार वोट देके आपको जिताया, फिर क्यों नहीं कर रहे? एक डेटा ये है कि शायद नॉर्थ एमसीडी में 230 टोटल इंजीनियर हैं, जिसमें से केवल 17 ऐसे हैं जिन पे चार्जशीट नहीं है, बाकी सब पे चार्जशीट है। एमसीडी का अपना इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट दिखाता है कि साउथ एमसीडी पे 1,177 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग एरियर हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, 1,177 करोड़ रुपए के आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर है। एरियर क्यों है, उनकी रिकवरी क्यों नहीं की जा रही, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि उनकी रिकवरी क्यों नहीं की जा रही। नॉर्थ एमसीडी के चीफ ऑडिटर ने 3,299 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल घोटाले निकाले हैं, हम नहीं कह रहे, उनका अपना चीफ ऑडिटर
नॉर्थ एमसीडी का कहता है 3,299 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल घोटाले हैं, पर आप पूरी दिल्ली के अंदर जहां देख लीजिए इलीगल होर्डिंग लगे हुए हैं एडवर्टाइजिंग के, इलीगल टावर लगे हुए हैं टेलीफोन के, इसका कोई अंत नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। शायद एमसीडी देश का उन चुनिंदा नगर निगमों में से है जो अपने स्टाफ की तनख्वाह नहीं दे पाता टाइम पे, कई कई महीनों तक स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये इसके बावजूद कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को हमारे आने के पहले 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में बीजेपी की सरकार थी जब राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान नगर निगम को जितने फंड दिए गए उससे कहीं ज्यादा फंड हम लोगों ने उनको दिए हैं। इतने फंड लेने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का ये हाल है। और जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार आज देश का बच्चा बच्चा कहता है कि सबसे ईमानदार सरकार है। हमने डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज शुरू की, जहां लोगों को पहले लाइनों में लग के दलालों के चक्कर काट के रिश्वत दे के अपने काम कराने पड़ते थे, आज घर बैठे फोन कॉल के ऊपर बिना रिश्वत दिए आपका काम होता है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।